पर भाई आप खुद अंदाजा लगाओ कि 8 फीट का रोटावेटर है और हैरो एक साथ चलाई, तो जो ट्रैक्टर की फीट जो पावर है वो बहुत ही अच्छी है भाई इस ट्रैक्टर की। नमस्कार किसान भाई, राम राम, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर जो हमारे पास ट्रैक्टर है 4x4, इसके पीछे 8 फीट का रोटावेटर है और हैरो है, दोनों को एक साथ चलाएंगे। ये देखो इस तरीके से कुछ हमने रस्सा बनाया इसमें, तो भाई अब आज एक साथ चलाएंगे दोनों को। 8 फीट का रोटावेटर है और पीछे हैरो, और जो ट्रैक्टर के लीवर होंगे लीवर दिखाऊंगा आपको, लीवर कितने डाउन है। और भाई हैरो भी देख लो कितनी खोल रखी है, हैरो भी कम नहीं खोल रखी, और 8 फीट का रोटावेटर है लैंड फोर्स का, और दोनों लीवर डाउन होंगे, मैं ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा अभी। अब भाई थोड़ा सा उठाया रोटावेटर, यहाँ घूमता था, घूम के ट्रैक्टर एक बार दब गया था, तो एक बार मैं ट्रैक्टर के ऊपर बैठ दूँ आपको लीवर दिखाऊंगा। तो भाई देखो ट्रैक्टर के ऊपर कोई नहीं है और मैं आपको लीवर दिखाऊंगा। ट्रैक्टर के ऊपर भाई कोई फर्क नहीं ज्यादा, घूम पे उतर गया था घूम पर, अब नीचे दिखाऊंगा आपको। ट्रैक्टर के लीवर भी दिखाए मैं आपको, एक जो एक लीवर डाउन है, एक लीवर फुल डाउन है और एक थोड़ा सा मतलब ऊपर है भाई, झूठ नहीं भाई, थोड़ा सा लीवर ऊपर है एक। पर भाई आप खुद अंदाजा लगाओ कि 8 फीट का रोटावेटर है और हैरो एक साथ चलाई, तो जो ट्रैक्टर की फीट जो पावर है वो बहुत ही अच्छी है भाई इस ट्रैक्टर की। थोड़ा दूर से सही आएगा भाई, और देखो रोटावेटर के सामने कितनी मिट्टी है, थोड़ा नजदीक से दिखाऊं। और एरो भी देख लो भाई, एरो भी बहुत खोल रखी है, और पीछे इसकी भी कह रही देखो। और इस रोटावेटर के अंदर भाई 54 ब्लेड है, भाई एक चीज को तो मानना पड़ेगा, ट्रैक्टर की पीटीओ है, पीटीओ पावर बहुत ही अच्छी है ट्रैक्टर की, बहुत ही अच्छी। चलो आज तो हमने इसके पीछे एरो खिंचवाई, अगर इसके पीछे 9 फीट का रोटावेटर भी होता ना तो बड़े आराम से चला देता भाई बिना एरो के। पीटीओ एचपी तो भाई इसकी कितनी अच्छी है ट्रैक्टर की। और भाई एक बात और, आज हमने एरो देखो कंप्लीट पूरी खोल लेते हैं एक बार इसको,
फिर देखते हैं अगर उसको खींच पाएगा या नहीं पूरी एरो खोलने के बाद। तो एक बार बोल दूं भाई मगर पूरी एरो खोल लेंगे अब। तो भाई पूरी एरो खुलने की नहीं, ट्रैक्टर के पीछे रोटावेटर है इस कारण एरो खुलने की नहीं भाई। थोड़ा एक बार ऊपर उठाना पड़ता है इसको, तो यहाँ से जो कट है वो पड़ने का नहीं भाई। अब हद कर दी भाई ट्रैक्टर ने इतना। देखो हमें भी विश्वास नहीं था कि 8 फीट का रोटावेटर के बाद एक साथ एरो भी चलाएगा। ट्रैक्टर का भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस है। पीटीओ पावर तो भाई इसकी इतनी अच्छी है और सब काम में मैं आपको बताता रहूंगा कि ट्रैक्टर किस जगह खराब है और किस जगह अच्छा ट्रैक्टर है। अभी तक जो हमारा मतलब अनुभव रहा उस अनुभव में ट्रैक्टर हर जगह कामयाब है। वो तो भाई आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि 8 फीट का रोटावेटर है और पीछे एरो, ट्रैक्टर में दम तो है भाई, ये बात तो है। और अब स्पीड भी देखो ट्रैक्टर ठीक ठाक स्पीड है भाई, तीसरे लो के अंदर है अब और पहले दूसरे लो में था। तो भाई आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आज ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको, GTO XP भी और वैसे भी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल पर ट्रैक्टर से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।